फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। क्या बच्चे को डायपर पहनाने से बच्चे के हिप्स का एरिया डार्क हो जाता है? क्या डायपर की वजह से वहाँ का स्किन ब्लैक हो जाता है? क्या ये चीज़ परमानेंट रहेगा? क्या उसके लिए कोई सल्यूशन है? चलो इन सब सवालों के जवाब जानेंगे आज के पर्टिकुलर वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल सुने हुए हैं जहाँ पे क्लॉथ डायपर यूज़ करने से भी बच्चे के बम एरिया डार्क हो गए। जो लोग नॉर्मल डायपर्स यूज़ करते हैं उनके भी केस में हो गया। बट ऑल ऑफ यू, कुछ चीज़ें आपको ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई सारे बच्चे अपने पूरे बॉडी के कलर के कंपैरिजन में खुद का हिप्स एरिया थोड़ा सा डार्कर साइड में होता है जब भी वो पैदा होते हैं। प्लीज़ ये चीज़ ऑब्जर्व करना। बच्चे के अपीयरेंस को लेके कुछ चीज़ें नॉर्मल होती है, जिसमें से ये पर्टिकुलर चीज़ है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉबेरी स्पॉट्स, मंगोलियन स्पॉट्स, ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल है बच्चों को ले से। तो उसी में से एक चीज़ ऐसी है कि जब भी बच्चा पैदा होता है तभी उसके बम का एरिया, मतलब हिप्स का एरिया, बाकी बॉडी के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा डार्क हो सकता है। अगर बच्चे का वो एरिया ऑलरेडी ज़्यादा डार्क है तो फिर तो वो है ना, उसको हम लोग डाइपर को क्यों ब्लेम करना है? इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लेना। अगर पहले से उतना डार्क नहीं है बट डाइपर यूज़ करने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि वो एरिया थोड़ा डार्क हो रहा है, तो फिर उसकी वजह क्या क्या हो सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने जितना भी रिसर्च किया, जितना भी समझा, जितना भी सोचा, उसके ऊपर मैं जवाब दे रही हूँ जो भी दे रही हूँ। मेरे बच्चों के केस में, मेरे बच्चे पैदा ही हुए थे बहुत डार्क हिप्स के साथ, और सेकेंडली मैंने उनके लिए डाइपर भी बहुत कम यूज़ किया है, बट फिर भी उनका वो डार्क पैच ठीक होने के लिए करीब करीब 8 साल लग गए। इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। तो ये मैंने मेरे घर पे देखा हुआ। तो एक चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ कि जो डार्क हिप्स है, भले वो डाइपर से हुए हैं, भले ही डाइपर से नहीं हुए हैं या पैदाइशी है, उसको 7-8 साल लग जाते हैं ठीक होने के लिए। इसे हिप्स पे बहुत ज़्यादा बेसन घिसना, ये घिसना, उसको गोरा बनाना, बहुत पीछे मत लगना, वो नॉर्मल कलर में आ जाएगा, तो ज़्यादा टेंशन मत लेना। कुछ कुछ रिसर्च है कहता है कि स्किन का एक नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन रखने के लिए प्रॉपर वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है। अगर आप बच्चे को 24 घंटे डायपर में रखते हो और वो एरिया बिल्कुल भी खुला नहीं रखते और वहाँ पे अगर बिल्कुल भी वेंटिलेशन नहीं है तो फिर वो एरिया थोड़ा ज़्यादा डार्क हो सकता है। दूसरा चीज़, अगर कभी बच्चे ने ज़्यादा सूसू कर दिया है और आपने डायपर टाइम से चेंज नहीं किया है, तो जो ज़्यादा सूसू जमा होता है और प्लास्टिक डायपर में, प्लास्टिक और जो भी केमिकल्स होता है उस यूरिन को लॉक करने के लिए, उसका इंटरनल कुछ रिएक्शन होके उससे भी थोड़ा बहुत स्किन डार्कनिंग हो सकता है अगर आपने डायपर्स टाइम पे चेंज नहीं किए तो। थर्ड, नॉन स्टॉप अगर आप बच्चे का वो एरिया डायपर रैश क्रीम से कवर रख रहे हो और वो एरिया बिल्कुल भी सन के लिए एक्सपोजर नहीं दे रहे हो तो वो भी वो एरिया डार्क रह सकता है। एंड लास्टली, अगर बच्चे को वहाँ पे रैशेस हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, या बच्चे का वहाँ के रैशेस ठीक हो रहा है, तो भी आपको फील हो सकता है कि वहाँ का स्किन थोड़ा सा डार्क दिख रहा है। सो ये सब वजह आर वेरी वेरी नॉर्मल जो देखी गई है जिसमें स्किन डार्क हो सकता है। अब जानते हैं सल्यूशंस, कुछ बहुत बेसिक सल्यूशंस हैं। प्लीज़ कोशिश करो कि बच्चे को 24 घंटे डायपर में मत रखो, भले क्लॉथ डायपर हो, भले रेगुलर डायपर हो। 24 आवर डायपर इज़ नॉट सजेस्टेड। शायद वो लंगोट बहुत अनकम्फर्टेबल होता है। हम लोगों ने मायद्विजा के ऊपर वीडियो किया हुआ है कि लंगोट के लिए एक बेस्ट ऑप्शन या डायपर के लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन क्या है। सो वी हैव डन अ वीडियो ऑन इट, प्लास्टिक लंगोट विथ क्लॉथ, जो मायद्विजा के प्रोडक्ट्स में भी आपको मिल जाएगा। बड़ा कमाल का ऑप्शन है। मतलब मैंने मेरे बच्चों को पहले दिन से पैंट शर्ट फ्रॉक सब पहना है, बट डायपर नहीं पहनाया यार हार्डली। कभी रात को या कभी लॉन्गर ड्राइव के लिए गए तो एक्चुअल डायपर पहनाया है, अदरवाइज क्लॉथ डायपर रात में एक बार या दो बार सिर्फ मैं चेंज करती थी और बाकी पूरा दिन बच्चे वो जो मैंने आपको बोला स्मार्ट आइडिया ऑफ लंगोट, उसमें बच्चे रहते थे। एंड इट वॉज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। तो प्लीज़ बच्चे को 24 घंटे डायपर में मत रखो। मैं समझती हूँ कि आप थोड़ा सा आपके कन्वीनियंस के लिए भी करते हो, बट कन्वीनियंस के लिए कुछ और ऑप्शंस ढूंढो। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, दैट्स अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। पॉइंट नंबर 2, अगर आप बच्चे को 24 घंटा डायपर में रख रहे हो तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखना, डायपर 24 आवर मायद्विजा, जिसमें मैंने कुछ कुछ टिप्स बताए हुए। बट अभी के लिए याद रखो
कि दो डाइपर चेंज के बीच में बच्चे का हिप्स का एरिया खुला रखना बहुत ज़रूरी है, 15-20 मिनट के लिए एटलीस्ट। तो वो हवा थोड़ा आते जाते रहेगा तो वहाँ पे बहुत डार्कनिंग नहीं होता है। नेक्स्ट, बच्चे के दो डाइपर चेंज के बीच में प्रिफरेबली बच्चे को उस जगह पे कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल लगाओ। कोकोनट ऑयल आइडियली हम लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, उससे स्किन कई बार ड्राई हो सकता है और कई बार एक्चुअली स्किन डार्क भी हो सकता है। बट कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल डिपेंडिंग ऑन द सीजन, अगर आप लोग माइल्ड उस एरिया में लगाते हो तो रैशेस का टेंशन थोड़ा कम होता है और स्किन सॉफ्ट रहने में थोड़ा सा हेल्प होता है। तो इसीलिए अगर ठंडी का सीज़न है तो आप लोग ऑलिव ऑयल लगा सकते हो, बारिश का सीज़न है, समर का सीज़न है तो फिर आप लोग बादाम का तेल लगा सकते हो, उसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लगा के भी लगा सकते हो, दैट बी वेरी गुड। किसी को अगर डाइपर रैश क्रीम या डाइपर क्रीम आप लोग जो यूज़ कर रहे हो वो एक बार पक्का चेक कर लेना। कई बार डाइपर रैश क्रीम्स या एक्स्ट्रा एब्जॉर्बेंट डाइपर्स, इनमें जो केमिकल्स यूज़ होते हैं ना वो भी बच्चे के बम एरिया को थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं। तो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स वाले डाइपर क्रीम आप यूज़ कर सकते हो, जैसे मायदुजा का डाइपर क्रीम है उसमें हम लोग एलोवेरा और नीम एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं और शिया बटर, तो बड़े नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ बनता है वो डाइपर क्रीम। आपको चाहिए तो आप वो डाइपर क्रीम ट्राई कर सकते हो या आप कोई भी दूसरे ब्रांड का डाइपर क्रीम ट्राई कर सकते हो, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। नेक्स्ट थिंग, प्लीज़ एक बार चेक कर लेना कि आप बच्चे के डाइपर सही साइज़ के हैं। यूजुअली हम लोग बोलते हैं आप जब भी बच्चे के लिए डाइपर सिलेक्ट कर रहे हो आप लोग को याद रखना है कि डाइपर बहुत टाइट नहीं होना चाहिए, डाइपर बहुत लूज नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अ कम्फर्टेबल फिट डाइपर, तो फिर वो डाइपर बच्चे के लिए सही है। अगर फिर भी वो एरिया बहुत डार्क हो रहा है तो आप एक बार डाइपर का ब्रांड चेंज करने के बारे में पक्का सोच सकते हो, तो उससे भी कई बार हेल्प हो जाती है बच्चे के वो एरिया क्लियर रखने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डाइपर बच्चे कोई लाइफ टाइम नहीं पहनने वाले। जैसे ही आप लोग डाइपर बंद कर दोगे वैसे वो एरिया धीरे धीरे नॉर्मल पे आ ही जाएगा। किसने तो भी रिसेंटली मुझे सवाल पूछा था कि श्रेया मैंने तो 20 दिन हो गए डाइपर बंद करके अभी भी वो एरिया नॉर्मल नहीं हुआ। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया मेरी बच्चे का बाहर का एरिया प्रॉपर बैक टू नॉर्मल स्किन आने के लिए बच्ची 8 साल की हो गई तभी आए, एंड ट्रस्ट मी मेरी बच्चे अभी 11 साल की, अभी वो प्रॉपर स्किन कलर पे है नहीं, थोड़ा सा तो डार्क अभी भी है। इट्स ओके, इट्स नेचुरल नॉर्मल, वहाँ पे रैशेस नहीं है ना, खुजली नहीं है ना, रेडनेस नहीं है ना, स्वेलिंग नहीं है ना, कहीं पे खून या कहीं पे स्क्रैच तो नहीं है ना। ये चीज़ें टाइम टू टाइम चेक करते रहो ताकि कोई टेंशन नहीं लेना। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताना आपको पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।